नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बातचीत का रास्ता निकालने के बारे में सोचा है। परिषद के जो प्रमुख हैं महंत रविंदर पुरी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के धर्मगुरु से बातचीत करके इस मसले का हल निकालने के लिए परिषद के महामंत्री महंत हरिगरी को निर्देशित किया गया है। ज्ञान व्यापी मामले में अखाड़ा परिषद ने सुलह की पहल करने का दावा किया है। हरिद्वार में रविंदर पुरी ने महामंत्री महंत हरिगिरी से मुलाकात करने के बाद मीडिया को बताया कि गिरी वाराणसी जाकर मस्जिद प्रबंधन से चर्चा करेंगे और बातचीत से दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस बारे में महंत हरिगिरी का कहना है कि इससे पहले भी अखाड़ा परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्षों के साथ चर्चा की थी। उन्हें उम्मीद जताई है कि दोनों पक्षों के धर्मगुरु बैठकर चर्चा करेंगे तो इस बारे में कोई हल जरूर निकलेगा। वहीं इससे पहले महंत रविंदर पुरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव से बयान पर माफीनामा भी मांगा है। उन्होंने कहा कि सपा को मुसलमानों को के ही नहीं हिंदुओं के भी वोट मिलते हैं। अखिलेश को अयोध्या, काशी, मथुरा से मंदिरों पर भी बात करनी चाहिए। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हिंदू धर्म में आप कहीं पर भी कोई पत्थर रख दे, लाल झंडा लगा दे तो पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है। आपको बताते ज्ञान व्यापी मामले में 26 मई को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन के साथ।